नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में यही समझाऊंगा कि आपको अपना क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। यानी कि जब भी हमारे पास क्वेश्चन पेपर आते हैं, तो एक बार हमारे पास क्वेश्चन पेपर आ गया तो उसको हमें अटेम्प्ट कैसे करना है। जो हमारे पास जितना भी स्टडी मटेरियल है, मान लीजिए आपके पास सिर्फ एक ही बुक है, तो उसको आपको पढ़ाई कैसे करनी है, कितनी करनी है और कैसे क्या आगे चीज़ें रहेंगी, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो बेसिक सी बात हमको ये पता होनी चाहिए कि हमारा प्रीवियस ईयर के पेपर कैसे होते हैं, किस पैटर्न के उस पर आते हैं। यानी कि सबसे बड़ा हमारे पास पॉइंट क्या निकल कर आया है यहाँ से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारे पास मस्ट है, इनका एनालिसिस करना है आपको। कम से कम आपको 10, आपको कभी भी मॉडल पेपर नहीं लेने हैं, मॉडल पेपर आपको प्रीवियस ईयर पेपर लेना है कि प्रीवियस ईयर पेपर कैसे आने हैं, उनका पैटर्न क्या है। क्योंकि कभी कभी जो आपके लिए प्रैक्टिस की सीरीज़ होती है ना, उनमें आपको काफ़ी हाई लेवल का चीज़ें दे देता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। अब यहाँ पर ये अपने पास प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा तो आपको क्वेश्चन पेपर का आइडिया मिल जाएगा। क्वेश्चन पेपर का आइडिया मिलने से पहले आपको अपनी पढ़ाई तो पूरी अप टू डेट होनी चाहिए ना। अब पढ़ाई अप टू डेट होने से चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या क्या है। और सिलेबस पता होने के बाद भी हम कुछ चीज़ें रह जाती हैं कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। स्टार्ट करने के बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि हमको लीव क्या क्या करना है, छोड़ना क्या क्या है हमको चीज़ों पे। क्योंकि जितना पढ़ना इम्पॉर्टेंट नहीं है उतना छोड़ना इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मान लीजिए आपको छोटी सी एग्जांपल है कि मान लीजिए आपको एक टेस्ट में आ रहा है कि आपको काउंटिंग्स पूछी जा रही हैं आपसे, ठीक है, एक, लेकिन आपको ये नहीं पता कितनी काउंटिंग। अगर आपने ध्यान से पिछले क्वेश्चन पर देखा, अगर मान लो आपने, मैं इसी एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ कि आपने एक पुराना ट्रेंड चेक किया तो आपने देखा कि यह सिर्फ 50 से 70 के बीच में आ रहे हैं मोस्टली क्वेश्चन। तो आप इस बार भी 50 से 70 ही करके जाएंगे और जो बाकी होंगे उनको आप उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। क्योंकि पिछले जब 10 साल से 12 साल से यही चीज़ें हो रही हैं तो आगे भी चांसेस हैं कि यही होंगी। लोग ये कहते हैं कि पुरानी चीज़ें भी पढ़ो जो नहीं आ रही हैं, मैं कहूँगा कि आप वो बिल्कुल नहीं पढ़ो, आप वही पढ़ो जो ट्रेंड में चल रहा है, क्योंकि वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आपको अपने पेपर में मार्क्स स्कोर करने हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम। आपको ये नहीं करना है कि आपको वहाँ पर एग्जामिनर ये नहीं पूछता है कि आपको आता कितना है, या आपसे वो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछता है कि कितने ज़्यादा आपकी नॉलेज है। नॉलेज पे वो बिल्कुल नहीं जाता है आपसे, बस वो यही चाहता है कि आप नंबर अच्छे से स्कोर करें। आपका जो क्वेश्चन पेपर में जो चीज़ें दी हैं उन्हें आप ध्यान से करें। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि कैसे कैसे एक क्वेश्चन आते हैं, आपसे वो ये पूछेगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या है। अब उसके लिए वो आपको कभी स्टेटमेंट वाइज नहीं पूछेगा, क्योंकि अगर आपके पास ये पूछा उसने आप ये बताइए अंतर क्या है, तो आपके लिए वहाँ पर आंसर तो होगा, आप वहीं से ग्रास्प कर लेंगे, इतना आसान भी नहीं आता। वहाँ पर वो ये बोल देगा कि मान लो एक ऐसा कुछ है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है एक बंदे की और ये उसकी एंडिंग पॉइंट है, माफ़ कीजिएगा पीछे की आवाज़ के लिए, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है। अब यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और यहाँ पर एंड कर रहा है, अब यहाँ से यहाँ तक गया तो उससे 7 मीटर की उसने ट्रैवलिंग करी। अब अगर वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, अगर मैं बोलूँ कि मैंने एस को स्टार्टिंग पॉइंट को लोकस माना और जो एंड पॉइंट है उसको मैंने अराउंड सर्कल मैंने उसे ट्रैवल करवाया, तो वो यहाँ से जब वो सर्कुलर ट्रैवल करा करके वो यहाँ पर आया, तो मैं आपसे बोलूँगा कि उसका जो पूरा सर्कुलर पाथ उसने ट्रैवल करा, जो अगर मैं सर्कुलर भी नहीं बोलूँ उसके अंदर पाथ ट्रैवल करा, उसकी डिस्टेंस बताइए आप और उसका डिस्प्लेसमेंट बताइए आप। और फिर वो एक में दे देगा कि वो पूरा सर्कुलर पाथ करने के बाद अपनी जगह पे ही आया और फिर वो वापस भी आ गया। तो अब पूछा कि आपको इनिशियल से आप उसकी डिस्टेंस बताइए, आप उसकी फाइनल से डिस्टेंस बताइए, कितनी उसने ट्रैवल करी वो डिस्टेंस बताइए। तो इस टाइप क्वेश्चन आते हैं, वो कभी ये नहीं बोलेगा कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस है, इसमें क्या समानताएं हैं, उसमें आपकी डेफिनेशन क्या है, उसकी एग्जांपल्स क्या है, वेक्टर कौन होता है, स्केलर कौन होता है, ये जमाने चले गए। अब थोड़ा मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल एक उसमें अल्फा बोलेगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा वो एक लेवल आगे बढ़ के ही आपसे पूछता है, क्योंकि आपके लिए वो एक कॉलेज प्रोवाइड कर रहा है। आप ये समझिए कि आपके लिए जैसे जेई में आप पढ़ाई करते हैं तो आप बिल्कुल एक हाई लेवल की पढ़ाई करते हैं। हमको जेई के लेवल का तो नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको उसी के थ्रू आपको एक कॉलेज मिलने वाला है, आप उससे अपनी पॉलिटेक्निक करने वाले हैं, डिप्लोमा करेंगे आप, उसके लिए आपको अपनी चीज़ें भी सुधार के चलनी है। क्योंकि आप इसके बाद आप इंजीनियरिंग में भी जा सकते हैं, अब इंजीनियरिंग में अच्छे कॉलेज में जाना है आपको, तो आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखने पड़ेंगे। तो ये कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स थे जो मैंने आपको बताए।
अगर आपको और चीज़ें जाननी है तो मैं एक इसकी वीडियो सीरीज लेके आ जाऊँगा, जिसमें आपको यही समझाऊंगा कि आपको क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करने हैं, आपको कैसे क्या आगे बढ़ाई करनी है, क्या चीज़ें छोड़नी है। वैसे मैं अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में ये बताऊंगा कि आपको मैथ्स में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। उसके बाद मैं शायद अगले वीडियो में ये लेके आऊँ कि फिजिक्स में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। क्योंकि जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दूँ, सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन एक चैप्टर खोल लेता हूँ कोई सा, आप थोड़ा मेरे को टाइम दीजिए। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन खोला लॉज ऑफ मोशन, सबसे इजी बहुत इजी क्वेश्चन एक चैप्टर है वो मैंने खोला यहाँ पे। तो लॉज ऑफ मोशन अपन ने देखा यहाँ से क्या आ रहा है इसमें। तो मैं आपको बता रहा था कि मान लीजिए आपके पास एक लॉज ऑफ मोशन करके चैप्टर है, तो उसमें आपके लिए क्या चीज़ें आती हैं। उसमें आपकी एक चीज़ आती है फोर्स, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है फोर्स। न्यूटन के तीन लॉ, लीनियर मोमेंटम, इम्पल्स, फ्रिक्शन, और हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्जी, मूवमेंट ऑफ फोर्स, लॉज ऑफ मूवमेंट, पैरेलल फोर्सेस, ये सारी चीज़ें हमको पता है ये इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी हमें इग्नोर करनी है। लॉज ऑफ मोशन के एग्जांपल में वेट पुली के थ्रू जो चीज़ें होती हैं वो आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। आपको लिवर कैसे चीज़ें हो जाएंगी, थर्ड लॉ कैसे रिलेटेड है, सेकेंड लॉ कैसे एप्लीकेबल है हमारे रियल लाइफ में, क्या एग्जाम्पल है। मान लीजिए अब यही बात है कि मैंने आपसे बोला कि आपको ये तो पता ही है, आपने कहीं ना कहीं अगर बुलेट चलाई है कि नहीं चलाई, लेकिन आपने चलती हुई देखा जरूर होगा। जब भी बुलेट चलती है तो आपको पीछे एक रिकॉइल दिखती है, हमको पता है कि एम इक्वल्स टू पीछे वाला मोशन होता है, जो आगे गई बुलेट उसके इक्वली पीछे वाला होता है। लेकिन हमको इतना फील नहीं होता क्योंकि बुलेट तो हमारी कोसों दूर जाती है, लेकिन हमारे वेट के कारण हम थोड़ा पीछे ही जाते हैं। लेकिन इससे रिलेटेड वो क्वेश्चन ये तो हमको पता है, लेकिन इससे रिलेटेड वो क्वेश्चन ये पूछेगा कि मान लीजिए स्पेस में आपने गोली चलाई तो क्या होगा आपका और आपकी बुलेट का। तो इसका राइट आंसर यही है कि मान लीजिए मैंने आप स्पेस में आप फ्रीली मूव कर रहे हैं, मैंने वहाँ गोली चलाई, तो आप भी क्योंकि आपका वेट आपकी मास के कारण, आपका जो वेट है आपका मास है वो आपकी जी पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि आप नीचे जी पे जी के कारण जुड़े हुए हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण आप नीचे जुड़े हुए हैं, इसलिए आप पीछे नहीं जाते हैं। आपका मास भी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए आप पीछे नहीं जाते, और बुलेट का आपका मास ग्राम्स में होता है इसलिए बहुत आगे तक जाती है वो। और लेकिन अगर आपको ये सब चीज़ें हटा देंगे, आप स्पेस में जाएंगे, तो स्पेस में आप भी उसी स्पीड से ट्रैवल करेंगे जितनी स्पीड से आप की बुलेट कर रही है। तो ये सब चीज़ें होती हैं पढ़ने वाली, ये आप देख सकते हैं। बाकी सब मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ों को। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।